हाय गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और ये वीडियो जो है हमारे एडमोव ऐड को फायरबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं उसका पार्ट वन है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल ऐप में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें मल्टीपल एक्टिविटी को ऐड करते हैं। क्योंकि पहला जो पार्ट है इसमें मल्टीपल एक्टिविटी रहेगा, उसके बाद सेकेंड में क्या रहेगा, हम उस एक्टिविटी को डिज़ाइन कैसे करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग इसी दिन देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं और उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका डिज़ाइन, कि कैसे इसका डिज़ाइन कैसे दिखेगा। तो ये रहा हमारा मोबाइल का स्क्रीन, यहाँ मैं चलता हूँ। ये रहा हमारा ऐप, पहले रहेगा स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी, फिर ये रहेगा होम एक्टिविटी। और यहाँ देखिए, मैं क्लिक करता हूँ बैनर, तो यहाँ आता है बैनर। फिर यहाँ क्लिक करता हूँ शो स्मार्ट बैनर ऐड, तो यहाँ आता है बैनर हेड का अलग साइज। फिर यहाँ आता है मीडियम रेक्टेंगल, तो ये बड़ा बैनर। तो इस तरह हमको फिर इसको यहाँ से बैक करेंगे और इस पर जब क्लिक करेंगे इंटरस्टियल पर, तो देखिए हमारा इंटरस्टियल ऐड लोड हो गया। अब क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस बटन पर, बटन पर क्लिक करते ही हमारा ऐड शो होगा। और जब तक हम ऐड को कट नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे नहीं। तो देखिए, क्लिक किया 3, 2, 1, देखिए हमारा जो एक्टिविटी है, जो ऐड है, चालू रन कर गया। अब जैसे यहाँ हम कट करेंगे, इस क्रॉस बटन में क्लिक करूँगा, हम चल जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। तो क्लिक किया, देखिए बैक प्रेस आ गया। और यहाँ भी, इसमें भी एक ऐड लोडेड सेशन दिया हुआ है, सेम फंडा। अब यहाँ भी क्लिक करेंगे तो जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी पर। तो यहाँ पे कट किए, चल गए नेक्स्ट एक्टिविटी पर। अब यहाँ क्या है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है बैक प्रेस इंस्ट्रक्चर। अब जैसे ही हम अपने मोबाइल का जो बटन है बैक प्रेस दबाएंगे, वैसे ही जो हमारा ऐड है लोड हो जाएगा, उसके बाद चल जाएगा हमारे बैक एक्टिविटी पर। तब क्लिक किया, अब कट किया, देखिए आ जाएगा हमारा बैक एक्टिविटी पर। इसको बैक करके, तो इस तरह जो बनता है एक्टिविटी, पहले हमको इसको इसमें एक्टिविटी बनाएंगे और इस तरह का जो डिज़ाइन है, टू कॉपी एकदम सेम टू सेम डिज़ाइन करने वाले हैं। और अगर आपको इसका कंप्लीट पैकेज चाहिए फ्री में, मतलब कि मैं इस पैकेज को फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको अगर डाउनलोड करना है और टू कॉपी यही चीज़ आपको अपने ऐप में लगाना है सेम फॉन्ट का, तो आप इस पैकेज को डाउनलोड कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, जिस वेबसाइट का नाम है codeapp.in। मैं आपको एक बार दिखा दूँ आपका अपना वेबसाइट। जैसे यहाँ हम टाइप करेंगे codeapp.in और एंटर कर देंगे, तो देखिए हमारे सामने इस तरह का वेबसाइट मिलेगा। और ये वेबसाइट जो है, यहाँ क्लिक करेंगे हम मोर टेम्पलेट पर, तो देखिए ये जो ऐड है, देखिए एडमोब ऐड विद फायरबेस, ये जो है आपके लिए 0 रुपये में रखा हूँ यहाँ, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। देख, सीधा इसको ऐड टू कार्ट कीजिए और सीधा प्रोसीड टू पे पर जाके आप इसको अपने डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐड जो बाकी जो पैकेज है वो पेड है, तो आपको लेना ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं क्रिएट एक न्यू प्रोजेक्ट। तो पहले अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, और इसमें हम लोग बनाएंगे एक न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हमको इसमें स्टार्टअप से चलना, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसलिए हमको एक एक करके काम करना पड़ेगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पर, और इसका जो देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट मिलता है एम्प्टी एक्टिविटी, इसको यही रहने देंगे हम। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे यहाँ फायरबेस एडमोब एड्स, ये रखेंगे। इसका जो टोटली जो है डिफ़ॉल्ट रहेगा, फिनिश पर क्लिक करते हैं। जब तक जो हमारा प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली सिंक्रनाइज नहीं होता है, तब तक इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हमारा जो एक्टिविटी है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो कम्प्लीटली यहाँ सिंक्रोनाइज हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग करेंगे क्रिएट एक्टिविटी। तो यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, और इसका जो नाम रहेगा, नाम रहेगा स्प्लैश एक्टिविटी। उसके बाद इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। ग्रेडल फिनिश होने के बाद यहाँ हम लोग फिर से लेंगे, और यहाँ हमने तीन एक्टिविटी में दिखाना है बैनर एड, तो हम लेंगे पहले यहाँ तीन एक्टिविटी। तो यहाँ लिखते हैं, लेते हैं फिर से एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ लिखते हैं बैनर एड 01, ये रहेगा हमारा एक्टिविटी का नाम। और इसी तरह हम लिखेंगे बैनर एड 01, 02, 03। देखिए हमने यहाँ तीन जो है बैनर एड 1, 2, 3 यहाँ ले लिया एक्टिविटी। अब इसी तरह हम लोग स्पेशल ऐड 1, 2, 3 लेंगे, बनाएंगे एक्टिविटी क्रिएट। अब देखिए हमने तीन एक्टिविटी, तीन टू लिए बैनर ऐड, तीन लिए स्पेशल ऐड, एक स्प्लैश स्क्रीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग रिसोर्स में,
और यहाँ चलेंगे वैल्यूज में, यहाँ चलेंगे थीम में, और पहले इसका एक्शन बार जो इसमें दिया है उसको करते हैं नो एक्शन बार। उसके बाद इसका थोड़ा हम चेंज करते हैं कलर, क्योंकि हमको दिखाना है वही प्रोजेक्ट जैसा जो हमने इस वीडियो के देखें स्टार्टिंग में देखें। तो इसका कलर कोड होगा 14 14 14, और सेम कलर कोड को हम यहाँ से सभी में, सॉरी कॉपी हो गया, सभी में यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब इसको कट करते हैं यहाँ से। अब देखते हैं, जाते हैं थोड़ा लेआउट पर और चेक करते हैं कोई भी लेआउट, चेक करता हूँ मेन लेआउट। तो यहाँ देखिए अभी इस तरह दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग इसको लाइव रेंडरिंग करेंगे और यहाँ शो सिस्टम यूआई करेंगे। तो देखिए हमारे पास ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक आ गया, मतलब कि हमने जो कलर कोड जो सेट किया था वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब थोड़ा आना है हमको मैनिफेस्ट के अंदर में, जो यहाँ दिया हुआ है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर में आना है, और जो हमने बनाया था स्प्लैश स्क्रीन उसमें से वो करंट ट्रांसफर। देखिए यहाँ डिफॉल्ट में मिलता है मेन एक्टिविटी जो लॉन्चर दिया हुआ है इसका, जब भी ऐप हमारा लॉन्च करेगा तो सीधे आ जाएगा मेन एक्टिविटी। तो यहाँ को रखना है स्प्लैश, और जहाँ स्प्लैश है यहाँ स्प्लैश पर देना है मेन। हमने यहाँ एक्टिविटी चेंज कर ली है, बाकी टोटली काम देखिए। यहाँ आपको लोगो अगर सेट करना है अपना ऐप के लिए तो मैं यहाँ लोगो यहाँ सेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपना जो लोगो है मेरा इस चैनल का लोगो वही मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। तो देखिए हमने लोगो जो है हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है दूसरे प्रोजेक्ट से। अब यहाँ सिर्फ टाइप करता हूँ हम लोग, यहाँ बैक करता हूँ इसको और यहाँ लोगो क्लिक करता हूँ, लोगो लिख दिया। और इस आईसी लॉन्चर राउंड पर भी हम लोग लोगो का ही देंगे ताकि दोनों जगह एक ही लोगो देखे, ये हमने सेट कर दिया। अब हमारा मैनिफेस्ट में काम खत्म। यहाँ आप एक काम और कर सकते हो, जब भी आप ऐड रन करते हो तो इसमें हार्डवेयर एक्सेलेटर को जरूर यूज़ करें, और यहाँ मैंने यूज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इतना टाइम हो चुका इसमें काम हो गया। अब इसको कट करते हैं, और देखिए पहले हमने इस में जब हम लोग लेआउट को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कुछ चाहिए लोगो। तो पहले हम लोग एडमोब का लोगो यहाँ लिया हूँ, एक एरो का लिया हूँ जो यहाँ इस तरह दिखेगा, और एक लिया हूँ फायरबेस का, ताकि हमको दिखाना है टू कॉपी जो हमने देखा था ऐप स्टार्टिंग वीडियो में, तो उसे दिखाना है, इसलिए हमको ये सब लेना पड़ा। अब चलते हैं, हम धीरे धीरे सबको डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको इसका डिज़ाइन नहीं पता है कैसे डिज़ाइन करते हैं तो आप हमारे इस जो आपको मैं दिया था सोर्स कोड फ्री में जो दिखाया आपको, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना, वहाँ से आप उस ऐप को उस सोर्स कोड डाउनलोड कर लें, और उसी सोर्स कोड आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप यूज़ करना ज़रूरी है। और उसमें क्या है कि उसमें अगर कोई मांगता है यूज़र पासवर्ड, तो आपको यही बोलूँगा मैं कि उसमें यूज़र पासवर्ड रहेगा क्लिक टू कोड डॉट इन, इस बात को आपको ध्यान रखें। तो पहले मैंने कॉपी किया बैनर ऐड के लिए स्पेशली, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। इसमें जो भी एरर है उसको, उस एरर को भी हटा देता हूँ मैं भी यहाँ से। एरर अभी हमको नहीं देखना है क्योंकि सिर्फ हमको डिज़ाइन करना है इसको। तो एरर के लिए यहाँ दिया फॉन्ट, तो फॉन्ट में ऐड कर लेता हूँ, फॉन्ट ज़रूरी है। तो फॉन्ट को मैं यहाँ से अल्कोनिका फॉन्ट है, तो यहाँ से फॉन्ट फैमिली टाइप करता हूँ, और इसको आता हूँ मोर फॉन्ट में, और यहाँ से अल्कोनिका यहाँ दिया हुआ है, एज दिया हुआ है अल्कोनिका, इसमें क्लिक करता हूँ, और हमारा जो फॉन्ट सिस्टम जो था यहाँ एरर ये हट जाएगा। बाकी जो एरर है यहाँ कोई एरर नहीं है, खाली यहाँ क्या है कि हमने इसमें जो लगाया है लीनियर लेआउट बैनर एड के लिए उसको मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर, कि मैं जब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ इसका बैनर एड देखिए, यहाँ से यहाँ मैं इसको लगा रखा हूँ लीनियर लेआउट, जहाँ लिखा हुआ है बैनर एड कंटेनर। तो इसी तरह आपको हर एक्टिविटी में यूज़ करना है। तो मैं फटाफट धीरे धीरे सब में यूज़ कर लेता हूँ। ए बैनर एड वन हुआ, अब चलते हैं बैनर एड टू में, इसमें आते हैं स्प्लिट में, सेलेक्ट ऑल पेस्ट एरर, जो क्या आएगा यहाँ एरर सिर्फ आएगा यहाँ एड्स का, तो यहाँ इसको देते हैं क्लियर कर। इसमें भी सेलेक्ट ऑल पेस्ट, इसमें भी यहाँ एक एरर आया, उसको मैंने नाम बदला हूँ इसलिए एरर आ रहा है बार बार यहाँ। तो चलिए मैं इसका एरर को सॉल्व कर दिया। देखिए यहाँ एरर आता क्यों है, हमारा ऐड का नाम जो है यहाँ मैं रखा हूँ बैनर ऐड थ्री, तो ये जो है स्पेशली एक्टिविटी है जावा का फाइल। तो यहाँ देखना है आपको इसमें कि यहाँ जो नाम लिखा, देखिए बैनर ऐड थ्री लिखा हुआ, तो ये नाम आपको टू कॉपी यहाँ पेस्ट करना है, तो आपका एरर हट जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ एरर हटा रहा था मैं अपना। बाकी जो इसमें मैं लिया हूँ कंटेनर के लिए, तो उसमें क्या क्या बदलाव करना पड़ता है वो आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन इसमें सिर्फ हमको डिज़ाइन करना है अपना।
तो पहले आते हैं इंडस्ट्रियल में, सेलेक्ट ऑल पेस्ट, और यहाँ एड्स की जगह एस देना रिमूव कर। अब आना सेकंड है इंडस्ट्रियल एड में, तो यहाँ भी आपको सेम चीज करना है, सेलेक्ट ऑल पेस्ट, जो भी एरर यहाँ आ रहा है ऊपर में इसको भी यहाँ से रिजॉल्व कर लेना है। अब यहाँ आना है इंडस्ट्रियल थ्री में, और इसमें भी सेलेक्ट ऑल पेस्ट, जो भी एरर है यहाँ से इसको हटा देंगे हम, एरर को रिजॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं मेन में, और मेन में यहाँ हम जो डिज़ाइन किए थे उसका भी कोड हमने पेस्ट को कॉपी कर लिया। अभी सेलेक्ट ऑल और यहाँ पेस्ट करूँगा डायरेक्टली, यहाँ देखिए पेस्ट हो गया और यहाँ इस तरह का शो हो गया। अब बचा हमारा स्प्लैश स्क्रीन में सिर्फ, तो यहाँ भी इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको एक करके स्प्लैश स्क्रीन का, जो हमने यहाँ डिज़ाइन कर लिया हूँ। आता हूँ मेन में, तो मेन में भी देखिए हमने डिज़ाइन यहाँ कर लिया हूँ। इंडस्ट्रियल एड में भी आता हूँ थ्री में डिज़ाइन हो चुका है, बैक प्रेस में टू में भी डिज़ाइन हो गया है, और वन में डिज़ाइन हो चुका है। इसी तरह बैनर वन में भी हो चुका है, टू में भी हो चुका है, और थ्री में भी हो चुका है। मतलब कि हमने कंप्लीट इस वीडियो में एक ऐप में पूरा सिस्टम, पूरा लेआउट डिज़ाइन करके रेडी कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखने वाले हैं कैसे हम इस प्रोजेक्ट को अपने फायरवेक से कनेक्ट करते हैं, और उसमें किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या कोड डालना पड़ता है, क्या क्या डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, वो सब सीखने वाले हम लोग इस वीडियो, इस सीरीज़ के पार्ट टू में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।